बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिवीजन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलकान डिवीजन की मैं प्रेसिडेंट थी। हालिया कुछ दिन पहले जो है जो मरियम बीबी ने कहा था कि जमान पार्क में दहशतगर्द गए हैं, वहां पे दहशतगर्द है, तो उन्होंने जो वर्करों को दहशतगर्द कहा तब मैंने एहतजाजन पार्टी से इस्तीफा दिया था। और आज जो है यहाँ पर आके मैंने जो इमरान खान जो है जो हक और सच के लिए जो जंग लड़ रहा है इसके साथ इजहार यकजहती करके मैंने प्रॉपर तौर पर मैंने पीटीआई को शमूलियत की है। आज मेरे खान साहब से मुलाकात हुई है, तफसीली बात हमारी हुई है। और जो जाने वाले होते हैं वो तो जाए, पार्टी तो चंद लोगों के जाने से खत्म तो नहीं होता, लेकिन अलबत्ता उनसे बेहतर लोग आएंगे पार्टी को संभालने के लिए। तो ये कि जो लोग पाकिस्तान के साथ सिंसियर हैं, जो लोग पाकिस्तान की तरक्की के लिए हैं, तो वो उनको चाहिए कि वो खान साहब के साथ आए और इनके साथ आगे कदम बढ़ा के अपने जो है मुल्क की तरक्की के लिए सोचें और खान साहब को सपोर्ट करें। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, जब मैं पहले भी एक दफे आई थी इधर और अब भी मैं हूँ, मुझे कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर किसी किस्म की दहशतगर्दी का कोई पैगाम चल रहा हो या किसी किस्म की नाखुशगवार बातें हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मुल्क की बातें हो रही हैं, मुल्क की मफाद के लिए बेहतरी के लिए बातें हो रही हैं। तो बस हम लोग अच्छे के साथ हैं, बाकी हम लोग ना तो अपने इदारों के खिलाफ हैं और ना ही जो है हमारी जंग जो है एक पॉलिटिशियंस के साथ है जो मुल्क को जो है खानदानी पॉलिटिक्स से वो खाते आ रहे हैं कई सदियों से। तो अब जो है हम कहते हैं कि ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है ये खत्म, हर बंदा आगे आके अपने मुल्क की हिफाजत करे। तो इसीलिए जो है खान साहब के इस मिशन में जो छोड़ के जाते हैं वो जो उनके जाने से बात नहीं पड़ेगा, अब हम आके खान साहब की हौसला अफजाई कर रहे हैं और प्रॉपर तौर पर मैंने आज पीटीआई में शामिलियत किया है।